जय नमोस्तु। तत्तम शनन्दे आनन्दिमौ चेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवे सिंहगुपतिरुहि गुपतिन्यान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर अर्थ त्यर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री चौबीस थाना गणराज जी उवम उवन उवन विंद विंद भवनम विज्ञानम विनियम स्वयं उवनम उवन स्वभाव मनस्य ममेलम मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सुरियं शुद्धं च शुद्धात्मनम्। क्या हुआ, पहली लाइन बाद में बोल दी, बाद वाली पहले बोल दी ना। लोकालोक स्वयं सुरं च सुरियं शुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तरमला शायर जी महाराज की जय। एक साथ मंत्र चरण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः नमो नमः ॐ नमः उवन सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु श्रीमद् जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान दस्तार यह श्री चौबीस थाना गणराज जी जहाँ आचार्य श्रीमद् जन तारण स्वामी हम समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। और आज अभूतपूर्व प्रसंग है भैया, अपने जीवन का महान सौभाग्य है कि हमें भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल प्राप्त हुआ। वीर निर्वाण तक महावीर भगवान स्वयं उपस्थित थे, लेकिन वीर निर्वाण के उपरांत उनके द्वारा चलाया हुआ ये वीतराग धर्म, उनके द्वारा बताया हुआ जिन मार्ग आचार्यों की परंपरा से हम तक पहुंचा है भैया। और ये अनंत अनंत धन्य धन्य भाग है, अपना धर्म योग है कि अपन महावीर के शासनकाल में भगवान महावीर की देवध्वनि को सुन के और अपने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सबसे बड़ा बहुमान का विषय तो यही है। आगे अपन जितनी चर्चा करेंगे भगवान महावीर स्वामी के जीवन की जो घटनाएं लेंगे वो सब तो द्वितीय अर्थात दूसरा विषय है, यानी कि वो तो बात का विषय है। पहला विषय तो ये है, ये है बहुमान हमारे जीवन में पिकते। क्या बहुमान पिकते है कि वास्तव में भगवान के शासनकाल में जन्म लेना भी बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि आगामी पंचम काल में और आगामी छठम छठा काल में और चौथे काल के प्रारंभ में भी भगवान के शासन का सद्भाव नहीं है भैया। पंचम काल के अंत तक अर्थात 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहने तक यहाँ भगवान का शासन काल है। भगवान महावीर की देवध्वनि सुनने का अवसर है अपने जीवन में कि अपन यहाँ भगवान की देवध्वनि को सुन पा रहे हैं। भगवान के द्वारा चलाए हुए पंथ को अर्थात भगवान ने जो मोक्ष का मार्ग
बताया है, भगवान ने जो आत्म साधना करके जीव को कल्याण का मार्ग बताया है, वो उपदेश हम प्राप्त कर पा रहे हैं, वो भगवान की वाणी हम श्रवण कर पा रहे हैं, ये सौभाग्य है भैया अपना, धर्म योग्य है। क्यों? क्योंकि ये सौभाग्य भी हर किसी को प्राप्त नहीं होना भाई, जो इस काल के बाद जन्मेंगे उन्हें प्राप्त नहीं होना, और या फिर इस काल में भी जो जन्मे हैं, भगवान के शासन काल में भी जो जन्मे हैं, उन जीवों में भी इस उपदेश को प्राप्त करने वाले जीवों जीव बिरले हैं भैया। अपन खुद देख रहा है कि ये भगवान की देवध्वनि सुनने वाले, भगवान की देवध्वनि की रुचि रखने वाले, ये जीव बहुत बिरले हैं, बहुत कम है भैया। तो आज के लिए पहला बहुमान काय का भैया? आज के दिवस का पहला बहुमान तो ये है कि मुझे भगवान महावीर जयंती मनाने का अवसर मिला, अर्थात भगवान के कल्याणक को जानने का अवसर मिला। अर्थात क्या कि यदि भगवान का कल्याणक नहीं होता, अरे भगवान का जन्म नहीं होता, तो आज मेरा जीव इस भगवान के द्वारा कही हुई जो वीतराग में आत्म अनुभूति को जागृत करने वाली जो दिव्य ध्वनि है, उसको मेरा जीव प्राप्त नहीं कर पाता। इस बहुमान के लिए भगवान का जन्म कल्याणक, जिसे अपन जन्म जयंती कह देते हैं, वैसे जन्म कल्याणक कहना चाहिए क्योंकि भगवान के जन्म का कल्याणक हुआ था, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक था, तो अपन यहाँ भगवान महावीर के जन्म के कल्याणक की खुशी मना रहे हैं। कितना अभूतपूर्व अवसर है अपने अंतर में, अपने जीवन में, कि भगवान का कल्याण उत्सव मनाने का अभूतपूर्व मौका मेरे जीव को मिला है। तब ये बहुमान भी आया अपने अपने जीवन में कि भगवान के कल्याणक मनाने का मौका मिला। सोधर्म इंद्र, इंद्र तो साक्षात भगवान के कल्याणक मनाने के लिए जाता है, लेकिन सोधर्म इंद्र तो बाल तीर्थंकर का साक्षात कल्याणक मनाने जाता है, उसका धर्म योग तो अति विशेष है, अति विशेष है भैया। सोधर्म इंद्र का पुण्य, जो पुण्यानि बंधु पुण्य और अति से पुण्य उसके पास है, वो तो अत्यंत विशेष है। सोधर्म इंद्र का पुण्य तो अत्यंत विशेष है भैया, लेकिन हमारा सौभाग्य भी कुछ कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? हम व्यवहार से भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए उस समय उपस्थित थे या नहीं थे, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अंतर से, अब आती है बात आत्म साधना की, अंतर से जैसे भगवान ने अपने अंतर अनुभव को प्रकट करके, स्वानुभूति का जागरण करके अपना कल्याण कर लिया, ऐसा आध्यात्मिक कल्याणक मनाने का अवसर आज भी हमारे जीवन में है। तारण स्वामी ने कल्याणक फूलना लिखी कि नहीं लिखी? तारण स्वामी ने कल्याणक फूलना लिखी कि नहीं लिखी? और क्यों लिखी है? कि जीवात्मा भगवान के पंच कल्याणक में पंचम काल में उपस्थित नहीं हुआ जा सकता। पंचम काल में 24 तीर्थंकर में से एक भी तीर्थंकर नहीं होगा, लेकिन भगवान जी यदि ये जीव आत्म स्वभाव की रुचि लगा ले, यदि इस जीव को अपने चैतन्य स्वभाव की रुचि लग जाए, तो ये जीव अंतर में अपना कल्याण अवश्य कर सकता है, अपना कल्याणक मना सकता है। अपना कल्याणक मना सकता मतलब अपने अंतर में स्वानुभूति को प्रकट कर सकता है। ये है सबसे बड़ी बात कि है जीवात्मा अपन भगवान का कल्याणक मना पाए कि नहीं बना पाए। चौथे काल में नहीं है, पंचम काल में व्यवस्था नहीं है, इसलिए 24 तीर्थंकरों में से किसी का जन्म नहीं होगा। जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर कल्याणक की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन हम भगवान का कल्याणक मना पाए कि ना मना पाए, लेकिन हम अपना कल्याणक मना सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तारण स्वामी ने दिया है ना, सूत्र दिया है ना, क्या कि जब जिनु गर्भवास अवतरियो। जीवात्मा हम क्या कर सकते हैं? अपने अंतर आत्मा की श्रद्धा करके, अपने ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा करके, अपने जिनु अंतर आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा बताओ, वास्तव में महावीर का जन्म किस दिन हुआ था? जब वो आदिनाथ के पोते थे उस दिन हुआ था, जब उन्हें 363 मठ चलाए उस दिन हुआ था, या जब सिंह की पर्याय में उन्होंने दो रिद्धिधारी मुनिराज के सानिध्य में सम्यक दर्शन का अपना आरंभ किया, आत्म अनुभूति को उन्होंने प्राप्त किया, उस दिन हुआ था? अपन महावीर का जन्म, अर्थात समझ रहे हैं, महावीर का जन्म मतलब वीर नाम है गुण का। महावीर महाबलशाली यदि कोई अनंत वीर का धारी है,
तो वो अनंत वीर का धारी है मेरा आत्मा। बहुत अच्छे से ग्रहण करना इस बात को, क्योंकि भगवंतों के नाम और आत्मा के गुण में भेद नहीं है। तो महावीर नाम है आत्मा की वीर्यत शक्ति का। सबसे बड़ा वीर, सबसे बड़ा पुरुषवंत है मेरा निज त्रिकाली गायक स्वभाव। मेरे आत्मा में अनंत वीर की शक्ति है, और वो अनंत वीर की शक्ति जिस दिन आत्म अनुभव के रूप में, सम्यक दर्शन के रूप में, आत्म तत्व की रुचि के रूप में प्रकट हो जाती है, उस दिन महावीर का जन्म होता है। एक बार हम आपको फिर कथानक के माध्यम से सुनाते हैं कि सिंह की पर्याय में जब वह सिंह मृग को अपने मुख में दबाया हुआ था, उस समय जब मृग उसके मुख में था तब महावीर का जन्म हुआ था। कैसे जन्म हुआ था भैया? तब उसके अंतर में जिज्ञासा जागी थी, क्या कि कौन महापुरुषार्थवंत इस हिरण की पर्याय में था, तो यह हिरण भाग रहा था, यह हिरण चल रहा था, यह हिरण दौड़ रहा था, यह हिरण अपने प्राणों की रक्षा कर रहा था, छटपटा रहा था, कौन था इसके अंदर पुरुषार्थवंत अनंत वीर का धारी, जिसके कारण यह शरीर हिल रहा था, ढुल रहा था, यह शरीर में नाना प्रकार की गतिविधियां हो रही थी, लेकिन कौन सा महापुरुषार्थधारी, कौन सा अनंत वीरधारी इस जड़ से निकल गया, इस देह को छोड़ के चला गया, जिससे इस मृग ने हिलना डुलना भागना अपनी रक्षा करना सब छोड़ दिया। कौन महावीर का धारी निकल गया इसमें से? देखो 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 देखो, ये जिज्ञासा जैसे ही प्रकट हुई थी, ये जिज्ञासा जैसे ही उस सिंहराज के अंदर में, अर्थात महावीर के अंदर में, होने वाले महावीर के अंदर में, सिंह की पर्याय में जब ये वीर जागा था, कौन सा वीर जागा था? अपने निज आत्म तत्व के प्रति जो श्रद्धान जागा था, उस दिन महावीर का जन्म हो गया था भैया। कौन सा महावीर? सम्यक दर्शन की अनुभूति रूप, या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की जिज्ञासा रूप, आत्मा की रुचि रूप, जिस दिन पुरुषार्थ जागृत हुआ था, उस दिन महावीर का जन्म हो गया था। महावीर का जन्म मतलब सम्यक दर्शन का जन्म। आप खुद बताओ भैया, आप और हम स्वयं बताएं कि वास्तव में महावीर का जन्म होगा कब? देखो तो उस बहवान जंगल में दो रिद्धिधारी मुनिराज क्यों उसे सम्यक दर्शन कराने के लिए नहीं आते? सम्यक दर्शन कैसे होगा इस बहवान जंगल में, इस बहवान जंगल में ये सिंहराज, ये कैसे, ये हिंसक क्रूर पशु कैसे 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 उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा? इस जिज्ञासावश मात्र देखने आते हैं। क्या देखने आते हैं? कि इस एकांत जंगल में भी, जहाँ जंगली पशुओं के अलावा और कोई नहीं है, ऐसी अवस्था में सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? ऐसी परीक्षा करने, ऐसे अतिशय को देखने आते हैं। और देखो तो उस सिंह के अंतर में, उस सिंहराज के अंतर में वो अनंत वीर जाग गया था। उस अनंत वीर के प्रति जिज्ञासा जाग गई थी कि इस हिरण के अंतर में वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी चेतना है जो छोड़ के चली गई। देखो तो इस जिज्ञासा के जागने से, बहुत अच्छे से सुनना इस बात को, इस जिज्ञासा के जागने से, इस भावना के जागने से, कि जैसे ये भावना उस सिंहराज के अंतर में जगी, तो इस जिज्ञासा से उसके अंतर का वीर जाग गया भैया। देखो, और कैसा वीर जागा? कि वो सिंहराज उसका भक्षण करना भूल गया। किसका भक्षण करना भूल गया? कह रहा हिरण का भक्षण करना भूल गया। वो सिंहराज क्या करना भूल गया भैया? अपनी भूख भूल गया। देखो, जब आत्मानुभूति होती है, जब क्या होता है, जब आत्मानुभूति होने का काल आता है जीवन में, जब क्या होता है, वो अपनी भूख भूल गया, वो अपनी प्यास भूल गया, वो अपनी क्रूरता भूल गया, वो अपने अंदर की कसाय भूल गया। भैया सुनो तो, वह अपनी पर्याय भूल गया कि मैं सी अवस्था में हूँ। उसे सिर्फ एक वीर्यत की शक्ति का जागरण हुआ। क्या जागरण हुआ? कि भगवान जी वो है कौन जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये इसके अंतर में, इस देह के अंतर में, इस हरण के अंतर में, इसके अंतर में रहने वाला वो शाश्वत शक्तिधारी था कौन, उसे जानने की जिज्ञासा जब प्रकट होती है, तो न खाने की सुध रहती है, न पीने की सुध रहती है,
ना दुकान की सुध रहती है, ना मकान की सुध रहती है, ना बच्चों की सुध रहती है, ना परिवार की सुध रहती है। और अंतर में उत्पन्न होने वाली काम, क्रोध, मान, अभिमान, कसाय, कूड़ता, बेमानुषता, पापाचार अपने आप ही छूट जाता है। कब कब छूट जाता है? जब उस परमात्म पद को पाने की सही जिज्ञासा अंतर में उत्पन्न होती। ये लक्षण है। एक सिंह बता रहा है, एक सिंह बता रहा है, जब आत्म अनुभूति का काल पका, जब उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हुई, जब वो अनंत वीर के धारी उस आत्म स्वभाव को स्वीकार करने की जिज्ञासा अंतर में प्रकट हुई, तो उसके अंतर की क्रूरता नष्ट हो गई, उसके अंतर के भूख प्यास चली गई, उसके अंतर की के ना मैं सिंह हूँ, जंगल का राजा हूँ, ये भावना चली गई। और उस सिंहराज को तो पता नहीं था कि दो मुनिराज आने वाले, उस सिंहराज को तो पता नहीं था कि कोई मुझे उस आत्मा का उपदेश देने आने वाला है, उस शुद्ध स्वभाव का दर्शन कराने वाला है। वो सिंहराज उस ही जंगल में अपनी अंतर आत्मा की प्यास के साथ, अपनी अंतर आत्मा की जिज्ञासा के साथ, अपनी अंतर आत्मा की रुचि के साथ उस चैतन्यधारी परमात्मा को ढूंढने लगा कि वो है कौन, कोई तो मुझे उस परम शक्ति का दर्शन करा दे जो इस हिरण के अंदर से निकल गई है। ऐसी जिज्ञासा, बताओ भैया हमें आत्मा की इतनी जिज्ञासा है कि हम भोजन बनाना भूल जाएं, भोजन करना भूल जाएं, भोजन कराना भूल जाएं, हम अपनी सुध-बुध खो बैठे, हमें और कुछ होश ही ना रहे। क्या होश ही ना रहे? कि हम क्या खाया, हमने क्या नहीं खाया, हमने क्या बोला, हमने क्या नहीं बोला, हमारे अंतर का मान गल जाए, हमारे अंदर कठोरता बिला जाए। हमारे अंतर में जो कठोरता है ना, जो हमारे अंतर में तीव्र कठोर परिणाम है, अज्ञान राग आदि के जो कठोर परिणाम है, हमारे अंतर की अज्ञान कठोरता दूर हो जाए और हमारे हृदय में बहुमान जाग जाए, अंतर आत्मा का सहकार जाग जाए। और कैसा सहकार जाग जाए भैया? कि देखो तो क्या खाना, क्या पीना, क्या सोना, क्या जागना, क्या अहम, क्या राग, क्या देश, क्या मोह, सब विस्मृत हो जाए और एक जिज्ञासा जाग जाए, क्या? कि भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना है आज, तो भगवान जी भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव उस समय मनेगा जब उस सिंह राज की तरह जिज्ञासा हो जाएगी हमें, क्या? कि हमारे अंतर में बैठा हुआ वो अनंत चतुष्टय का धारी वो परमात्मा कैसा है भैया, जिसकी जिज्ञासा में आप खाना भूल जाओ, पीना भूल जाओ, दुकान जाना भूल जाओ, व्यापार करना भूल जाओ, आप सब कुछ सुध-बुध छोड़ दो उस परमात्मा की रुचि के लिए, तो वो जिज्ञासा है जिस जिज्ञासा में स्वानुभूति का अंकुरण होता है। अपन सोचते हैं कि घर के छल कपट मायाचारी के परिणाम में भी लगे रहें और संयोगी भाव में भी रस लेते रहें और भगवान महावीर जैसी दशा हमारी बन जाए, हमारे अंतर का महावीर जन्म ले, हमारे हृदय के महावीर का उदय हो, संभव कैसे है जीव आत्मा? जब एक कूर पशु को आत्मा की रुचि जागती है, जब एक कूर पशु को आत्मा की जिज्ञासा जागती है, तो भूख प्यास की वेदना और अपनी कूरता वो भूल जाता है और एक ही भावना अंतर से प्रकट होती है कि कोई मुझे उस भगवत सत्ता का दर्शन करा दे, कोई मुझे उस अनंत वीर से मिला दे, कोई मेरे अंतर महावीर का जन्म करा दे। ऐसे महान महान अंतर में ऐसे महान महान वीरियत की शक्ति के धारी ऐसे निःशुद्ध आत्मा को ही वास्तव में महावीर कहा है, इसका कोई मुझे दर्शन करा दे, ऐसी जिज्ञासा अपने अंतर में जागती है। देखो जब उस सिंहराज को उस जंगल में जिज्ञासा जगी, जब वो जिज्ञासा तीव्र होती गई, तो जो बीतरागी भावलिंगी मुनिराज, जो रिद्धिधारी मुनिराज ये देखने आए थे, क्या देखने आए थे? कि ये सिंहराज कैसे सम्यक्त को प्राप्त करता है, वो ही निमित्त बन गए। क्यों से निमित्त बन गए भैया? उसके अंतर की छटपटाट, उसके अंतर की अंतर आत्मा की ललक, उसके अंतर की जिज्ञासा, उसके अंतर का प्रकट हुआ विशुद्धि का भाव उन निमित्तों को बोलने पे मजबूर कर दिया भैया। क्या बोलने पे मजबूर कर दिया? यह सिंह राज किसको खोज रहे हो, काय का पछतावा कर रहे हो, किसकी खोज कर रहे हो, तुम किसे देखना चाहते हो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, जिस महावीर का तुम अनुभव करना चाहते हो, वो महावीरत्व की शक्ति तो हे सिंहराज स्वयं तुम्हारे इस देह देवालय में विराजमान है, तुम्हारी होनहार पक गई है, तुम्हारी काललब्धि पक गई है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का समय आ गया है। धन्य है, धन्य है, धन्य है सिंहराज,
तुम्हारा ये जीव कि इस कूर पर्याय में भी ऐसे सम्यक महारत्न को प्राप्त करके आगामी भव बाद के ना क्या होगा, भगवान महावीर का जीव बन के अनंत अनंत भव जीवों के कल्याण में निमित्त बनेगा। देखो तो, देखो तो, देखो तो, परीक्षा लेने आए महामुनिराज योगीराज निमित्त बन गए काय के सम्यक दर्शन के। तो बताओ भगवान जी, हमने भी महावीर स्वामी के शासन काल में जन्म लिया है। भगवान तारण तरण देव आचार्य परंपरा के महान अवधिज्ञानी मुनिराज, उनके सानिध्य में हम भगवान की देवध्वनि को, भगवान के समोषण की वाणी को बड़े रुझान पूर्वक सुन रहे हैं। भैया क्या ये सच्चे गुरु महादोरिद्धिधारी मुनिराज और सिंह की सम्यक दर्शन की अंतर ज्ञान की जागृति में निमित्त बने? क्या यहाँ हमें सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का स्वरूप बताने वाले हमारे आचार्य तारण तरण देव, क्या वो हमारे अंतर जागरण का निमित्त बन रहे हैं? रोज रोज उपदेश दे रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है। हे जीवराज, अनंत काल से संसार में भटक रहा था, लेकिन आज धर्म योग से भगवान महावीर का शासन काल, शुद्ध तारण पंत और वीतराग जनेश्वर भगवान की देवध्वनि हमें प्राप्त हो गई है। हे जीवराज, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है कि तुझे ऐसी आत्मा की रुचि लग रही है, तू स्वयं भगवान है का उपदेश तारण स्वामी सुना रहे। क्या भैया अपने अंतर की इच्छाएं खत्म हो रही? अपन अपनी भूख प्यास भूल गए? क्या हम अपने व्यापार और घर संयोग के काम को भूल गए? इन सब बाहरी विकल्पों का त्याग करके क्या हमें अपने अंतर का बहुमान आ रहा है? दुकान जाने का परिणाम होगा तब होगा ना, भोजन बनाने का परिणाम होगा तब होगा, भोजन करने का परिणाम होगा तब होगा, बाहर का परिणाम तो स्वतंत्र है, लेकिन क्या हमारे अंतर में उस चैतन्य तत्व को प्राप्त करने की वैसी अंतर जिज्ञासा प्रकट हो रही है, वैसा अंतर बहुमान प्रकट हो रहा है, वैसी अंतर रुचि लग रही है जैसे सिंहराज के अंतर में आई थी कि सारे कार्य भूल जाओ, सामाजिक बाहर के, समाज के, घर के, परिवार के, कुछ समय के लिए सारी अज्ञान मानताओं को, सारे सहयोग को भूल जाओ और एक सच्ची जिज्ञासा क्या कि गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, भगवान के समोषण की देवध्वनि को बार बार उच्चारित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, ऐसे आत्म तत्व का संबोधन दे रहा है, ऐसी स्वसत्ता का वो जगा रहा है। बता भगवान आत्मा, हमारे अंतर में क्या ऐसा ऐसा यथार्थ सत्य का बोध जाग रहा है? हमारे अंतर में बहुमान आ रहा है? हमें वो सम्यक दर्शन का लाभ हो रहा है? कैसा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, क्या हमें वो आत्म अनुभूति प्रकट हो रही है? हे जीवराज, देखो तो, क्या हम उस सिंह से भी ज्यादा कूर हैं? वो सिंह तो मांस भक्षण करते करते अपने अंतर चैतन्य स्वभाव के बोध को प्राप्त कर गया, लेकिन हम भी तो रोज मांस भक्षण कर रहे हैं, अवक्ष खा रहे हैं, काया शरीरों का भोग कर रहे हैं, इस मसान में चोच मार रहे हैं, लेकिन क्या हम भी इस अज्ञान मानताओं में, अज्ञान विषय भोगों की लोलुपता के बीच में? देखो तो उस सिंहराज को अपने ध्रुव तत्व की जिज्ञासा जाग गई तो वो पलट गया। हमें भी क्या अपने निष्त्रकाली गायक परमात्मा की जिज्ञासा जाग रही? शरीर के भोग में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान जी क्या हमें भी उस शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त करने की जिज्ञासा जाग रही है कि ये शरीर जिसमें तुम भोगों की कल्पना कर रहे हो, जीवात्मा, अरे सावधान जीवात्मा, जिस शरीर में तुम भोगों की कल्पना कर रहे हो जीवात्मा, उन भोगों को भोगने वाला कौन है, अर्थात उन भोगों को जानने वाला कौन है? कौन है जिसके कारण ये शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, ये सब पुण्य पाप की व्यवस्थाएं बन रही हैं? क्या उस वीतराग शुद्ध तत्व को जानने की महिमा, भगवान के शासन काल में जन्म लेने का बहुमान अपनी अंतरात्मा में जाग रहा है कि नहीं? अरे मूछ वाले नहीं सुलट पा रहे, ये चोटी वाले नहीं सुलट पा रहा है, ये मूछ वाले नहीं सुलट पा रहा है, और वो पूछ वाला अपने अंतर आत्म तत्व का अनुभव करके वो पूछ वाला सलट गया। तो कितना अतिशयकारी रहा वो पल, कितने अतिशयकारी रहा वो पल, कितना अतिशयकारी रहा वो समय जब उस
महावीर के जागरण करने की जिज्ञासा उस सिंहराज के अंतर में आई। कितना अभूतपूर्व पल था, तो वो उस दिन महावीर का जन्म हो गया। सच्चे महावीर तो उस समय जन्म ले गए थे। हाँ, हमारा कल्याण करने वाले महावीर का जन्म भैया अभी आज जिनकी जयंती मना रहे हैं तब हुआ था, लेकिन वास्तव में अनंत वीर का जन्म तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही हो गया था भैया। वीरियत गुण तो सम्यक दर्शन के साथ ही जाग गया था, वीरियत शक्ति तो जिस दिन उन्होंने जंगल में, उस भयवान जंगल में दो रिद्धिधारी मुनिराजों का उपदेश सुन के अपने निर्विकल तत्व का वेदन किया, अनंत वीर तो महावीर तो उसी समय जाग चुका था जब उस शुद्धात्म तत्व की सिद्ध स्वभाव की अनुभूति वो सिंहराज कर रहा था। भैया बताओ, भगवान आत्मा हमारे अंतर में उस महावीर की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? आज जन्म कल्याणक है, अर्थात उस अनंत वीर का जन्म कराने का अवसर, जो महान अनंत अनंत वीर उस सिंहराज के अंतर में जन्म हो गया, जिसके कारण वो महावीर की पर्याय को प्राप्त करा। उस अनंत अनंत वीर का जन्म कब हो गया भैया? उस अनंत अनंत वीर का जन्म कैसे हो गया? कहने लगा भैया, उस अनंत अनंत वीर का जन्म तो सहज ही हो गया। कैसे हो गया? सिंह की पर्याय में, जिसके कारण वो महावीर की पर्याय में आया और अनंत अनंत जीवों को मुक्ति का मार्ग बताया। भैया जिसके शासनकाल में अपन बैठे हैं, भगवान महावीर के जिस शासनकाल में आप और हम आनंद मना रहे हैं, वो सिंह की पर्याय में जागृत हो गया था। भैया बताइए, भगवान जी क्या भगवान महावीर की इस देशना से हमारे अंतर का वो वीर जाग रहा है? आपके और हमारे अंतर में वो शुद्ध आत्म तत्व की वो जिज्ञासा जाग रही है? आप और हम क्या उस निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं? है जिज्ञासा कि जिस जिज्ञासा के चलते आपको भूख ना लगे, आपको प्यास ना लगे, अर्थात आत्मा की चर्चा चल रही हो तो आप भूख प्यास और सारी चीज़ों को, दुकान जाने का विकल्प, मकान में मकान बनाने का विकल्प, घर वालों का विकल्प, जिस तत्व की जिज्ञासा में, जिस तत्व की प्यास में आप सब कुछ भूल जाओ, अपनी क्रूरता भूल जाओ, अपनी शत्रुता भूल जाओ, अनादिकाल से जो घर में बैर विरोध नाना प्रकार के इधर उधर के परिणाम चल रहे हैं, जिस जिज्ञासा में आप बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक ही सत्य याद रहे कि मैं तो वो अभेद ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ, मात्र एक ही सत्य की प्रतीति रहे, क्या ऐसी जिज्ञासा हमारे अंतर से जाग रही है? ऐसा बोध हमारे अंतर से जाग रहा है? सच्चे महावीर का जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताओ बस। महावीर नाम सीधा सीधा आत्मा का मुख्य गुण वीर गुण की बात है, क्योंकि बिना वीर के सम्यक नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन ही वीर्याचार का आरंभ है। बिना वीर्याचार के कोई भी जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्याचार मतलब सम्यक अर्थात पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ के कोई भी जीव मुक्ति के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता भाई। तो आज बताओ भगवान, आज महावीर जन्म उत्सव है कि नहीं? कि ना भैया, महावीर तो आज से तीन हजार वर्ष ही होने वाले, तो महावीर भगवान तो आज से 2500 वर्ष पहले होके उनका काम तो हो गया पूरा। लेकिन भगवान जी अपना क्या हो रहा है? अपना क्या हो रहा है? अपना महावीर कहाँ रह गया? बताओ बताओ, ढूंढ के लाओ। मंदिर में मिलेगा, पत्थर में मिलेगा, पूजा में मिलेगा, कहाँ मिलेगा अपना महावीर? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा अपना महावीर? तो भगवान जी किसको मिलेगा ये और बता दो। किसको मिलेगा? रुचि अनुगामी पुरुषार्थ उनको मिलेगा, जिनके अंतर में ऐसी अंतर आत्मा की रुचि जाग जाएगी, जिनके अंतर में ऐसी भगवत सत्ता का श्रद्धान जाग जाएगा, जिनके अंतर में उस सिंहराज की तरह जिज्ञासा जाग जाएगी, जैसे प्यासे हो जाएंगे कि अपने परमात्मा की सुध में, जिन्हें भूख प्यास की भी सुध ना रहे, उन्हें मिलेगा महावीर भगवान जी। और जो लोग अभी लेट ज्वाइन हो रहे हैं इति यानी इटारसी से, जो लोग
जो लोग भी लेट ज्वाइन हुए हैं वो चर्चा रिकॉर्डिंग डल जाएगी, वापस सुन लेना, क्योंकि निकल गई मेन बात। तो महावीर भगवान का जो शासन काल है इसमें अपने वीर्यत्व की शक्ति का जागरण होगा, तो आपके अंदर महावीर प्रकट होगा। भैया दुनिया महावीर का जन्म संसार में करा रही है, लोग जन्म कल्याणक के नाम पे भगवान का जन्म कराएंगे, उनका पूजन करेंगे, उनका पाठ करेंगे, अज्ञान अंधकार में ही, अज्ञान पूजा पाठ में ही महावीर का जन्म मानेंगे भैया। लेकिन भगवान जी, भगवान का जन्म होगा आपके और हमारे हृदय में, क्योंकि महावीर भगवान तो निर्वाण चले गए, वो तो लौट के आने वाले नहीं हैं। भगवान महावीर तो मुक्ति श्री को वरण कर गए, उनका आगमन होने वाला नहीं है, लेकिन अपना महावीर, अपना वीर किसी समय भी प्रकट हो सकता है भैया। जिस समय चाहोगे उस समय महावीर आपके अंतर में प्रकट हो जाएंगे। महावीर को लोग मंदिरों में तो बुलाना चाहते हैं, लेकिन महावीर को अपने हृदय में बुलाना चाहता है कोई? सैमसंग SM-A22F से कौन जुड़ा है? म्यूट खुला है, नाम नहीं पता, चलिए बताओ अपने महावीर का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हे जीवात्मा, यदि अपने अंतर के महावीर का जन्म नहीं हुआ तो इस संसार में मुक्ति का कोई साधन नहीं है भैया। सावधान जीवात्मा, यदि अपने अंतर का महावीर नहीं जन्मा तो इस संसार में मुक्ति का कोई साधन नहीं। भगवान देखो, भगवान के शासन काल में मेरी आत्मा ने जन्म लिया, भगवान के शासन काल में मेरा जीव आया, और भगवान के शासन काल में मेरा जीव आने के बाद यदि अपने वीर को नहीं जाना, उसने अपनी अनंत चतुष्टय की शक्ति को नहीं जाना, अपने अनंत चतुष्टय के वैभव को नहीं जाना, उस सिंह राज का जो अपने उदाहरण दिया है, उस सिंह राज के अंतर में जैसी जिज्ञासा अपने शुद्धात्म तत्व के वर्ण करने की थी, वैसी जिज्ञासा यदि मेरे अंतर में ना जगे कि जिससे मैं तन मन की शुद्ध विसरा के और आत्म तत्व की रुचि चाहे थोड़ी देर के लिए लगे, चाहे अरे अंतर मुहूर्त के लिए लगा के तो देखो, चाहे अंतर मुहूर्त के लिए मुझे ऐसी आत्मा की रुचि लगे जिससे मेरे करण लब्धि प्रकट हो जाए, भगवान आत्मा कम से कम ऐसी भावना तो भाव कम से कम जीव कि मेरे अंतर में मेरे शुद्ध तत्व का वीर खिल जाए, मेरे अंतर का महावीर जग जाए। भैया भगवान महावीर तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, लेकिन मेरे अंतर की वीरियत की शक्ति जागृत हो गई कि मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, तीन लोक का नाथ गायक परमात्मा हूँ। यदि मेरे अंतर का महावीर जाग गया तो भगवान जी महावीर जयंती मनाना, अर्थात महावीर निर्वाण मनाना, या महावीर जयंती मनाना, या महावीर जन्म कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा भाई। महावीर के जन्म का कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा कब? जब वैसी जिज्ञासा आपके अंतर में आ जाए जैसी सिंह के अंतर में आई थी, कि खाना भूल गया, पीना भूल गया, और अपनी सिंह पर्याय में सबसे कठोर पर्याय है का भैया कृष्ण लेस्या कापोत लेस्या, ऐसे ऐसे परिणाम रहते हैं, ऐसी अशुभ लेस्याओं के बीच में अपनी क्रूरता को भूल के, अपने अंतर के वैर भाव को भूल के, अपनी अंतर की क्या बोलते हैं वासनाओं को छोड़ के, भूख प्यास को छोड़ के, जिसको एक मास शुद्ध रही कि भैया कौन था वो चैतन्य महाप्रभु, कौन था वो निरंजन परमात्मा, कौन था वो अनंत शक्ति का धारी जो इस हिरण की पर्याय से बाहर निकल गया भाई। कभी अपन ने विचार किया है कि अपने संयोगों में भी अपन ने कई जीवों को देह त्यागते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी अपने अंदर विचार आया है कि इस चैतन्य धारी के बिना ये अचेतन शरीर तो मृत हो जाता है? तो देखो तो देखो तो देखो तो इसका मतलब वो अनंत वीर का धारी, वो महावीर तो जो इस शरीर में था वो था, ये शरीर तो जड़ है, पुद्गल और अचेतन है, इसे छोड़ के जब वो अनंत वीर की शक्ति बाहर निकल जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती भैया। क्या कभी हमने उस वीरियत को जागरण करने की कोशिश करी है, उस वीर को भगवान महावीर शासन के काल में और आज तो उनका जन्म कल्याणक मनाते हुए, क्या जब जिनु गर्व वास अवतरियो, क्या कभी उस जिनु अंतरात्मा को हमने अपने हृदय रूपी गर्भ में अनुभव किया है भैया? देखो 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 देखो, अंतर के महावीर जन्मे हैं। कौन जन्मे? देखो अंतर के महावीर जन्मे हैं, और आज तो अंतर के महावीर का जन्म है, और आज जिन महावीर का जन्म है वो महावीर अजर है, अमर है और अविनाशी है,
वो महावीर जन जन में है, जग जग में प्रत्येक प्राणी में वो महावीर विद्यमान है। बस ये जीव उस महावीर की शक्ति को देख नहीं पा रहा, ये जीव उस जियो जीनो देव को दो के मंत्र को जान नहीं पा रहा कि सब जीव जीवात्मा है और सबका गुण जीवत्व है। यहाँ मरण किसी का होता ही नहीं, यहाँ मरण धर्मा तो कोई है ही नहीं, सभी द्रव अक्षय है, अनंत है और शाश्वत है। जियो और जीने दो वाला काम है भैया, प्रत्येक जीव में जीवन है और किसी के प्रति अहिंसा का भाव मन में ना पनपे। मैं गायक आत्मा हूँ, ऐसी अंतरवीर की शक्ति का जागरण हो जाए तो महावीर का जन्म है भैया। इतना बहुमान आ रहा है बताओ। अच्छा, ऐसे अंतर के वीरयत नाम की शक्ति को, ऐसे अंतर के वीर को जान के कितनी लालसा उत्पन्न हो रही है। चौके का काम दिखाई दे रहा है, दुकान के काम दिखाई दे रहा है, आज नींद लेट खुरी हम सुबह की महावीर कल्याणक महोत्सव के समय हम सुबह के भैया कल्याणक भाव रूप ध्यान में भी नहीं जुड़ पाए। चलो कोई बात नहीं, अब भगवान महावीर की अंतर जिज्ञासा को देख के, उस सिंह की अंतर जिज्ञासा को देख के हम अपनी चेतना से अभी भी जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे, हमारा जुड़ान अपनी निज गायक सत्ता से हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं जाग रहा, महावीर का जन्म नहीं हो रहा। सुनो भगवान जी, बाहर में यदि कोई क्रिया करके महावीर का जन्म करा भी लोगे, यदि ये कर कोई क्रिया से कहोगे कि महावीर का जन्म हो गया, तो भगवान जी वो जन्म महावीर का जन्म नहीं, क्योंकि महावीर तो मोक्ष चले गए। लेकिन यदि इस समय इस आत्मा की व्याख्या सुनते सुनते यदि अंतर आत्म तत्व की यदि सच्ची रुचि जगा लोगे और शुद्ध बुद्ध खो बैठोगे अपने अंतर की, तो महावीर का जन्म है। काय की शुद्ध बुद्ध, शरीर की, संयोग की, कसाय भाव की, यदि ये छूट गए तो सहज ही अपना निर्विकल्प आत्मा अनुभूति में प्रकट हो जाएगा भगवान जी। देखो, जीव को अपने जीवत्व शक्ति का बोध नहीं है, बताओ। महावीर को आपको पंचम काल में लेके आना है, ला सकते हो क्या? महावीर तो पंचम काल लगने के 3.5 वर्ष पहले निर्वाण को चलेगा। अब जो जीव जो आत्मा निर्वाण को प्राप्त कर लेती है उसे वापस लाना संभव तो नहीं है भाई, वो संसार में आने वाली नहीं। महावीर तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, लेकिन जीवात्मा अब इस पंचम काल में तुम्हें महावीर का जन्म कराना है, कहाँ कराओगे बताओ? तो चलती भी रिया है, तत्व चर्चा का समय पूरा हो रहा है, चलती भी रिया है, आपको इस पंचम काल में महावीर का जन्म कराना, कहाँ कराओगे? किन मंदिरों में? इस समय सही बताओ, अपने हृदय में सही बताओ, सही में कराना है कि नहीं? मंदिरों में कराना है, मंदिर में जन्म कराओगे, तीर्थों में जन्म कराओगे, चैत्यालयों में जन्म कराओगे, या भगवान आत्मा अपने हृदय में ही वो सच्ची जिज्ञासा, वो सच्ची भावना, वो सच्ची रुचि जगाओगे भैया जो उस सिंह के अंतर में जाग गई थी? देखो, मोक्ष का मार्ग तो बहुत सरल है भैया, वास्तव में मोक्ष का मार्ग कोई कठिन नहीं है, मुक्ति का मार्ग कोई बहुत कठिन मार्ग नहीं भैया, मुक्ति का मार्ग तो बहुत सहज है, बहुत सरल है, और इस मोक्ष के मार्ग में तो कोई भी जीव आराम से आचरण कर सकता है। भगवान महावीर को तो, महावीर एक गुण है, इस भगवान महावीर को तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कब प्राप्त कर सकता है? जब प्राप्त करने की ऐसी रुचि तो आए। अच्छा बताओ, यदि वो सिंह राज, देखो अपन विकल्प करते ना, पंचम काल में समोचरण नहीं है, पंचम काल में सच्चा रास्ता बताने वाले भावलिंगी संत नहीं है, पंचम काल में हमारी उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने वाले संत नहीं है, पंचम काल में सच्ची बात बताने वाले गुरु नहीं है, बताओ यदि उस जंगल में वो सिंहराज ये विकल्प करता कि इस जंगल में आत्मा का अनुभव कराने वाले अर्थात आत्मा का उपदेश देने वाले कोई गुरु नहीं है, यदि मैं उस चैतन्य महावीरत्व की शक्ति को ढूंढ रहा हूँ, मैं जिस महावीर को ढूंढ रहा हूँ इस जंगल में, उस महावीर का पता बताने वाला तो कोई नहीं है, यदि उस सिंहराज को ये विकल्प आ जाता कि इस जंगल में
उस महावीर का पता बताने वाला कोई नहीं है, तो क्या वो उस निर्विकल्प आत्मानुभूति को, क्या उस सम्यक दर्शन के सोपान को, क्या उन रिद्धिधारी मुनिराज से आत्मा के उपदेश को प्राप्त कर सकता था? यदि जरा सा भी संशय होता, जरा सा भी जिज्ञासा में यदि अंतराय आया होता, उसे अपनी भूख याद आ गई होती, उसे अपनी प्यास याद आ गई होती, उसे अपनी क्रूरता याद आ गई होती, अपना अहंकार याद आ गया होता कि मैं जंगल का राजा हूँ, ये जंगल मेरे साम्राज्य से चलता है, यदि उसे थोड़ा सा भी मान जाग जाता, अपनी वर्तमान सिंह पर्याय का, अपनी क्रूर पर्याय का यदि मान जाग जाता, अपनी भूख प्यास का बोध जाग जाता, और यदि संशय अंतर में आ जाता कि इस जंगल में मुझे उस भीतराग चैतन्य महाप्रभु अर्थात उस महावीर का पता बताने वाला कौन है, यदि ऐसी शंका ऐसा संशय उसके अंदर में आ जाता, तो क्या उसे उस समय निर्विकल्प अनुभूति हो पाती, होती कि नहीं? हाँ, होती कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, हाँ कि ना? चलो हम ही बोल देते, यदि इतना सा भी द्वंद उसके अंतर में जाग जाता तो वह वहां महावीर का जन्म नहीं हो पाता, और यदि महावीर का जन्म नहीं होता तो आज हम महावीर के शासन काल में नहीं बैठे होते भगवान। आज हमें धर्म योग से यदि महावीर भगवान का शासन काल मिला है तो वो इसलिए ही मिला है, वो भगवान महावीर इसका शासन काल हमें प्राप्त हुआ है तो वो इसलिए ही प्राप्त हुआ है क्योंकि महा निष्कंठक जिज्ञासा थी भैया, महा द्वंद नहीं थे, महा क्षयोपशम ज्ञान नहीं था, महा भेद प्रभेद नहीं थे कि सम्यक दर्शन कैसे होता है कैसे नहीं होता, वहां एकमात्र जिज्ञासा थी, एकमात्र रुचि थी कि वो अनंत शक्ति का, अनंत वीर का धारी वो है कौन, उस परम तत्व को प्राप्त करने की एक निष्कंटक जिज्ञासा थी भाई। हम क्या करते हैं, आत्मा की बात तो सुनते हैं, आत्मा की बात तो समझते हैं, आत्मा की चर्चा तो करते हैं, लेकिन साथ में शल्य चिंता शंका होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पंचम काल में होता है कि नहीं होता, भैया ये जिन उपदेश हम सुन रहे हैं ये हमें निर्विकल्प अनुभूति का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा, नाना प्रकार के तर्क इतने दिन से तो सुन रहे हैं भैया, आज तक अनुभूति तो नहीं भाई, इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतने विद्वानों के प्रवचन सुन रहे हैं, आज भी हम उस आत्मा की अनुभूति से वंचित हैं, ऐसी नाना प्रकार की अज्ञान मानता और ऐसी नाना प्रकार की जो सल शंकाएं हमारे अंतर में पड़ी हुई हैं, जिस कारण से आज भी हम उस निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति से वंचित हैं भगवान, उस तत्व के श्रद्धान से आज भी हम विमुख हैं, इसका कारण क्या है, हमारे मन में उठने वाली अज्ञानता, हमारे क्षयोपशम बुद्धि का विस्तार, ये क्षयोपशम बाधक कारण है क्या? हाँ है ना, कब, जब उस क्षयोपशम का मान हो भाई, और क्षयोपशम में शंका हो, अर्थात क्षयोपशम आत्म तत्व पे शंका का कारण बनता हो, क्या क्योंकि ऐसे शंका कारण बनता हो कि ऐसे कोई आत्मा का अनुभव होता है क्या, इतनी आसानी से आत्मा का अनुभव होता है क्या, हमने तो कर्णादि योग में पढ़ा है कि आत्म अनुभव होता है तो ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, कि बड़े बिल्ले जीवों को होता है, लेकिन क्या हमें हो सकता है क्या, ये जो शंका है ना, निशंक होने की जगह जो क्षयोपशम विपरीत काम कर रहा है, शंका उत्पन्न कर रहा है, उससे क्या होगा, उससे अपने अंतरात्मा की अनुभूति नहीं होगी भगवान जी, बताओ भगवान आत्मा सही सही बताओ, क्या अपन उस सिंह की तरह निर्द्वंद है कि नहीं, उस सिंह की तरह निर्द्वंद, क्या अपने अंतर में वो निर्द्वंदता है कि यदि मुझे आत्मदर्शन हो नहीं होगा तो किसे होगा, क्या उस महावीर के जीव की तरह जिज्ञासा है, सिंह की तरह जिज्ञासा है कि कहाँ है वो अनंत चतुष्टय की महाचेतन शक्ति का धारी वो महावीर कहाँ है, जैसी जिज्ञासा उस सिंह राज के अंतःकरण में प्रकट हुई थी, क्या निर्द्वंद होके निशंक होके निष्कंटक होके क्या बेसी जिज्ञासा है मुझे कि जब मैं अपनी भूख प्यास और चिंता कठोरता सब मान अपमान की भावनाओं को भूल जाऊं और एक जिज्ञासा रह जाए कि मेरे अंतर में मेरा निज ज्ञायक परमात्मा है, या फिर मेरा ज्ञायक परमात्मा मेरे अंतर है, तो कितना अद्भुत है, कितना अनोखा है, कितना निराला है, कैसा है, अनंत चतुष्टय के धारी सुना तो है, अनंत सुख का धारी सुना तो है, लेकिन उसका अनंत सुख कैसा है, उसका अनंत ज्ञान कैसा है, उसकी अनंत अनंत शक्ति कैसी है, ऐसी जिज्ञासा है, यदि है तो ये भगवान की वाणी
जब अपन सुनेंगे तो अपने को आत्मानुभूति का सहकार होगा भाई। और इतनी जिज्ञासा कि निमित्त अपने आप आपसे बोलने लगे, आपको पूछना ना पड़े, आपको समझने की जिज्ञासा जो है वो आपको बुद्धि का उपयोग ना करना पड़े, आपको पूछना ना पड़े, आपको कुछ बताना ना पड़े, आपके हृदय की भाव भंगिमा, आपके हृदय की विनय, आपके अंतर्गत सत्कार उन्हें बोलने पे मजबूर कर दे। क्या कि आपकी विनय, आपका सत्कार, आपकी अंतर हृदय की भावना उपदेश को खिराने में निमित्त बन जाए। इतनी विनय, इतनी लघुता, इतना आदर, इतना बहुमान जनवाणी का, इतना बहुमान इस भगवान के शासन काल में, महावीर के शासन काल में रहने का, इतना बहुमान अपने अंतर में कि मुझे अपने वीर को प्रकट करना है, मुझे अपने महावीर को प्रकट करना है। आज मैं महावीर जन्म उत्सव, जन कल्याणक के दिन आज मैं अपने कल्याणक को मना के रहूंगा भैया। आज अपने हृदय में जिनु अंतर आत्मा का अवतरण दिवस है। आज अपने अंतर में अपने निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति का अमृत रसपान करने का दिन है भैया। क्यों? क्योंकि महावीर शासन काल है ना। यदि ये महावीर शासन काल नहीं होता तो ऐसी दिव्य ध्वनि सुनने नहीं मिल रही होती। यदि भगवान का उपदेश सुनने मिल रहा है तो भगवान आत्मा की जागृति तो अनिवार्य है। भगवान के उपदेश से भगवान जागते हैं, इंसान नहीं जागते, स्त्री पुरुष नहीं जागते। जो अपने आप को स्त्री मानते हैं, जो अपने आप को पुरुष मानते हैं, जो अपने आप को मानव मानते हैं वो नहीं जागते, जो अपने आप को दानव मानते हैं वो भी नहीं जागते। जो भगवान की वाणी सुन के अपने को ही वो आत्मा, वो परम अरस रूपी परमात्मा मानते हैं, भगवान की वाणी से भगवान जागता है। हे जीवात्मा, परमात्मा की दीप ध्वनि से परमात्मा का जागरण होता है, परमात्म पद का जागरण होता है, जीवत का जागरण होता है। कब होता है? जब जिज्ञासा निष्कंटक हो, जब भावना विशुद्ध हो, जब अंतर में मायाचारी सहित भावना नहीं भाई गई हो, जब अंतर में भैया कूर पशु ये भूल जाए कि जंगल में मुझे कौन उस आत्मा के दर्शन कराएगा, ऐसे ही मैं भी इस पंचम काल में भूल जाऊं कि समोसर नहीं है, वर्तमान में भावलिंगी मुनिराज नहीं है, मुझे सच्चा मोक्ष बताने मार्ग बताने वाले निमित्त नहीं है, मैं भी भूल जाऊं। और सतगुरु के प्रति तारण स्वामी की ने जो अमृत देशना दी है इसको ग्रहण करने की तीव्र जिज्ञासा अपने अंतर में आ जाए। इनकी वाणी तो है, गुरु नहीं तो क्या हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि तो है, तारण स्वामी स्वयं उपस्थित नहीं तो क्या, उनका मर्म, उनका उपदेश, उनके द्वारा बताया भीतराग मार्ग तो है। भगवान महावीर तो स्वयं कह रहे हैं कि तेरे अंतर में तेरा महावीर, तेरी चेतना विद्यमान है। तारण स्वामी ने एक सूत्र दिया ना, झमकई न्यान श्री के वीरा। क्या है ये सूत्र? झमकई न्यान श्री के वीरा। अरे आज वीर का जन्म होगा, आज महावीर का जन्म होगा। कैसा जन्म होगा? जब जय जयकार मचाता हुआ अपना स्वयं का पौरुष, स्वयं का पुरुषार्थ, अंतर से सम्यक का वीर जाग जाएगा। आज तो स्वयं महावीर का जन्म होगा, लेकिन मंदिर में नहीं, अंतर हृदय में होगा। होगा कि नहीं? कौन कौन महावीर को जन्म देने वाला है? कि ना भैया हम माँ बनने वाले हैं और पुत्र का जन्म देने वाले, क्या नाम रखेंगे ना? महावीर। अरे कोई अपने घर में महावीर का जन्म चाहता ही नहीं, सब चाहते हैं कि पड़ोस में महावीर का जन्म हो। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों से मोह करते हैं, हम अपने बच्चों को महावीर बनता हुआ नहीं देख सकते, साधु बनता हुआ नहीं देख सकते, साधक बनता हुआ नहीं देख सकते, साधना करता हुआ, तपस्या करता हुआ नहीं देख सकते। सब पड़ोसी के घर में महावीर चाहते हैं, सब चाहते हैं कि महावीर आए, लौट के आए, लेकिन मेरे हृदय में या मेरे घर में ना आए। महावीर आए तो, लेकिन पड़ोसी घर में आए, है ना? जीवात्मा, क्या हम अपने अंतर के महान अनंत पुरुषार्थ को जागृत करना चाहते हैं कि नहीं? बताओ जल्दी बताओ। शेर की जिज्ञासा बड़ी थी कि हमारी जिज्ञासा बड़ी? वो सिंहराज वो सच्चे मोक्ष मार्ग को चाहता था, जो जंगल में रह रहा था, हिंसा हिंसा कर रहा था, हिरण का भक्षण कर रहा था, वो सिंहराज वो सच्चे मोक्ष मोक्ष को चाहता था। या हम सात्विक भोजन करने की बातें करते हैं, है ना, सदाचार में जीवन जीने की बातें करते हैं, हम सच्चे मोक्ष मार्ग को चाहते हैं। उसने आत्मानुभूति करी तो सिंह की पर्याय में अवक्ष अनीति अन्याय छोड़ दिया,
और हम मनुष्य होते हुए भी अवक्ष अनीति और अन्याय का सेवन कर रहे हैं। हमें उस वीतराग तत्व की लगन, उस गायक तत्व की रुचि नहीं जाग रही। भाई बताओ तो, उसकी जिज्ञासा सम्यक थी या हमारी जिज्ञासा सम्यक थी? वो महावीर बनने योग्य आत्मा था या हम महावीर बनने योग्य आत्मा है? कौन है? भैया कोई जवाब नहीं। क्यों जवाब नहीं भैया? क्योंकि भैया आत्म आत्म रटे सभी, आत्म जाने ना कोई। और भैया जिसने एक बार उस तत्व को जान लिया, जिसने एक बार उस तत्व को अनुभव कर लिया, जिसके अंतर में एक बार उस तत्व को प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, भूल से भी किसी ने उसे ग्रहण करने का मार्ग प्राप्त कर लिया, भैया उसी ने भूल से भी उस आत्म तत्व को ग्रहण करने की जिज्ञासा प्राप्त प्रकट कर ली, तो उसकी होनहार ने उसे सहज सम्यक्त का सोपान, उसकी अनुभूति प्रदान कर दी। भैया हम भूल से भी उस आत्म तत्व की रुचि नहीं लगाना चाहते, उस आत्म तत्व का सहकार नहीं करना चाहते। हम बहाना बनाते हैं, दुकान जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं, चौके का काम करने पड़ते हैं, हम नाना प्रकार के बहाने बनाते हैं, अर्थात एक्सक्यूज प्रकट करते हैं, प्रमाद का पोषण करते हैं। और वो सिंहराज जंगल में रह के भूख प्यास के रहते हुए उसने किसी प्रकार का कोई भी विकल्प खड़ा नहीं किया अपने सामने, निष्कंटक श्रद्धा से अंतर चैतन्य तत्व की अनुभूति को प्राप्त कर लिया उसने। और अपना क्या हाल चाल है भगवान जी? चलिए बताओ, समय चलती ब्रिया में है, महावीर का जन्म किस किसका हो गया? अर्थात सम्यक दर्शन का वीर, सच्चा तत्व का श्रद्धान किस किसके अंदर प्रकट हो गया? मैं आत्मा ही शुद्ध सिद्ध मुक्त केवल ज्ञान स्वभाव ही हूं। किस किसको महावीर भगवान मिल गए? नहीं मिले भैया, हमें तो भगवान महावीर का मिल गए भैया जी। कहाँ मिले? शिखर जी में, अपने अंदर, मुक्तागिरी नहीं, अंदर अपने स्वयं के हृदय स्थान में। देखो भैया, चर्चा तो यही है, यदि महावीर के गुणों को ना जाना, अर्थात अपने अनंत वीर का प्रसाद यदि अपन ने नहीं पाया, भगवान महावीर के शासन काल को पाके यदि अपन ने अपने अनंत वीर का प्रसाद नहीं पाया, तो भगवान आत्मा अपना कहना, सुनना, बोलना, बताना, ये चर्चा करना सब व्यर्थ है, सब बेकार है। भगवान के जन्म से यदि हमारी आत्मा का जन्म नहीं हुआ, भगवान की देवध्वनि से यदि हमारे अंतर के सम्यक्त का वीर नहीं जागा, शुद्ध तत्व का श्रद्धान हमारी अंतर आत्मा में नहीं आया, वैसी जिज्ञासा रुचि नहीं जगी, तो ये सुनना समझना सब व्यर्थ है। बार बार कहने में आ रहा है भगवान, वो पूंछ वाला सुलट गया और ये मूंछ वाले और चोटी वाले भटक रहे। क्यों भटक रहे भैया? कारण तो बताओ। उसे स्वीकार हो गया कि संयोगों में, इस देह में, इस अचेतन जड़ में, इस संसार में सुख नहीं है। उस सिंह को स्वीकार हो गया कि यहां संसार में सुख नहीं है, यह भौतिक विषय मेरे काम के नहीं है, ये बाहर का आरंभ परिग्रह, ये सारा जगत ये मेरे काम का नहीं है, उस सिंह को स्वीकार हो गया भगवान जी। लेकिन मुझ आत्मा को चलते फिरते मनुष्य भाव को प्राप्त करने वाले मुझ जीव को ये बात स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही? देख लो जीव आत्मा अपनी दशा, अपनी दिशा, अपना भाव, आप और हम स्वयं देखें कि हमारी महावीर जयंती माननी है कि नहीं, कि नहीं। टाइम हो गया भैया, 9 बज गए हैं, और जिन लोगों ने आज की चर्चा, आज का उदाहरण सुना है भैया, उन लोगों से यही भावना है भैया कि इस उदाहरण को जरा अपने जीवन में घटाने का अभ्यास करें, इस उदाहरण से अपने जीवन में क्रांति जगाने का अभ्यास करें, देखें, स्वयं देखें कि उस सिंह के अंतर में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है, तो मेरे अंतर में वो जिज्ञासा उत्पन्न क्यों नहीं हो रही, और अपन स्वयं कारण खोजें और स्वयं आज सच्ची महावीर जयंती मनाने का भाव बना लें, एक भावना भाएं कि हे भगवान महावीर, आपके शासनकाल में मेरा जन्म हुआ है, तो आपके शासनकाल में जो मेरा जीव आया है और मैंने आपकी पवित्र पावन देशना को ग्रहण किया है, तो हे भगवान, हे महावीर देव,
हे सद्गुरुदेव, मेरे अंतर के वीर का जागरण हो और मैं भी उसी सम्यक की निधि को प्राप्त करके ज्ञान चरित्र में आचरण करता हुआ पूरा समय शक्ति उपयोग जो मेरे जीवन में जो मुझे समय प्राप्त हुआ है, कम से कम आज के दिन तो मेरा पूरा समय शक्ति उपयोग आत्मा के स्मरण और स्वभाव की साधना में जाए। जब तक मेरा जीव इस संसार में है तब तक इस भगवान महावीर के शासन काल का, अरे जब तक इस शरीर में है तब तक भगवान महावीर के शासन काल मेरे को बना रहे, अर्थात भगवान महावीर के चरण शरण से मेरा जीव विरह ना करे। भगवान का ये जो पादमूल मिला है, कैसे पादमूल मिला है, उनकी देशना के रूप में, भगवान की देशना का जो पादमूल मिला है ये पादमूल ना छूटे। भगवान की देशना मेरे जीवन से कभी बिछोड़ को प्राप्त ना हो। जिनवाणी मुझे सदा अमृत स्पान कराती रहे और जब तक मेरा निर्माण ना हो तब तक इस बीतराग कुल की शरण सदा मनी रहे। भैया कम से कम ऐसी भावना भाके अंतर मन से, हमारे कहने से नहीं, अंतर मन से ऐसी भावना भाके कम से कम इतना तो निश्चित कर लो कि भाव भाव में जहाँ भी जन्म लेंगे कम से कम महावीर जैसे गुरु को अंतर सम्यक की देशना को प्राप्त करेंगे और इस जन्म मरण की पीड़ा से छूट के अपना कल्याण का मार्ग बनाएंगे। ऐसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। अब ये सब